Welcome to Bergner Presents Kitchen Secrets by Vikas Khanna. बहुत बार हम सुनते हैं कि memories are the base of cooking. It is absolutely true. एक बहुत ही famous dish है पंजाब की साग पनीर, जिसकी inspiration लेके मैं आज की dish बना रहा हूँ. हम use करेंगे साग and paneer in totally different form. और हम बनाएंगे उसके बढ़िया से रोलाद्स. शुरू करेंगे सबसे पहले हम बनाने के लिए छेना. एक लीटर दूध लिया, जब इसमें नींबू निचोड़ेंगे हम तो जो दूध के जो मिल्क सॉलिड्स हैं और जो वे है दे बिगिन टू सेपरेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पनीर बनाने का या फिर डिजर्ट्स का थ्रू आउट इंडिया. हम इस्तेमाल कर रहे हैं बर्गनर की आर्जेंट सीरीज. ये पैन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसे कहते हैं ट्राई प्लाई. इसका मतलब है कि इसमें स्टेनलेस स्टील है, सेकेंड लेयर एल्यूमिनियम एंड देन स्टेनलेस स्टील अगेन, विच गिव्स इट अ वेरी हैवी बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हीट वेरी इवनली. बट यू कैन ऑल्सो सी कि इसका हैंडल एक बिल्कुल गर्म पॉट का मैंने आराम से पकड़ा हुआ है, विच इज़ अ गुड सेफ्टी टिप बिकॉज ऑफ इट्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी. हमारा दूध जो है वो फट चुका है, छेना एकदम तैयार है. हम ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे इसको बिकॉज आई वॉन्ट सम लिक्विड इन इट. इसमें हम डालेंगे छोटे चम्मच सूजी, नमक अप्रॉक्सीमेटली आधा छोटा चम्मच और थोड़ी सी काली मिर्च. इसे हम हाथ से अब अच्छी तरह से गूंद लेंगे. इसको हम एकदम स्मूथ कर लेंगे. एक बहुत ही एक बढ़िया टेक्निक है इसे मसलने के लिए, वो है यूजिंग द पाम का ये हिस्सा, बैक ऑफ द पाम. आप इसे रब करेंगे तो इट इज गोना कीप बिकमिंग स्मूदर एंड स्मूदर. ये हमारा तैयार है. प्लास्टिक फिल्म लेंगे और उस पर हम प्लेस करेंगे ब्लांच्ड पालक के पत्ते. सब उसको लेयर्स पे लेयर लगाएंगे, उनकी जो टॉप साइड है फेसेस डाउन, वो बहुत ज़रूरी है फॉर द ग्लॉस यू वांट फॉर योर रोल. तो मैंने एक प्रॉपरली एक लेयर लगा दी पालक के पत्तों की. थोड़ा सा उसमें जाएगा सॉल्ट. अब हम इस्तेमाल करेंगे छेने को अच्छी तरह से मसल लिए, उसे हम प्लेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में इस तरह से और हम उसे प्रेस करेंगे. अब इसमें डालेंगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलिंग, थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी खजूर, थोड़े से हमने ड्राइड एप्रिकॉट्स हैं उनको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के उनको फाइनली चॉप किया, बादाम, थोड़ा सा पिस्ता. कोई रूल नहीं है इसका, आप कुछ भी डाल सकते हैं. साथ में थोड़ा सा एक इसमें फ्लेवर देने के लिए भुना हुआ जीरा, सॉल्ट और थोड़ी सी काली मिर्च. अब इसे हम हाथ के साथ ही इसे मिक्स कर लेंगे. अब हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे इसके समेत प्लास्टिक फिल्म के समेत टॉफी की शेप में बांध लेंगे एकदम टाइट. इसे एज तक मूव करेंगे, इसे टॉफी बनाते हैं वैसे इसको रोल कर लेंगे. और अब इसे हम एक एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देंगे. हम इसलिए करते हैं इसको रोल ताकि ये आप अगर चाहें तो बेक भी कर सकते हैं. और हम क्या करेंगे, इसे गर्म पानी में हम इसे पोच करेंगे. बर्गनर आर्जन पैंस के अंदर पहले से ही स्केल मौजूद है, सो यू डोंट हैव टू मेजर एनीथिंग पुट इनसाइड इट. और हम इसे पोच करेंगे कुछ इस तरह से बर्गनर के पैन में. दिस इज ट्राई प्लाई. ट्राई प्लाई का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, उससे आप बहुत कम गैस को इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द अमेजिंग लेयर ऑफ मेटल्स. इट हेल्प्स यू टू कंजर्व द हीट इन इट. जैसे मेरा पनीर रोलाद पोच हो रहा है, मैं एक बहुत ही सिंपल सी डिप बनाऊंगा इसके साथ जाने के लिए. उसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, थोड़ा सा चुकंदर का रस. बहुत ध्यान से आप इसे निकालेंगे और ध्यान से आप इसे प्लेटिंग करेंगे. हियर यू गो, माय डिश इंस्पायर्ड बाय द क्लासिक साग पनीर. एक डिश को बनाने के लिए बहुत सारी मेमोरीज चाहिए, पैशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, पर साथ में चाहिए बढ़िया कुकवेयर जिससे मेरा साथ देता है बर्गनर.